नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। बाड़मेर, जालौर में गुंजी लड़ाकू विमानों की दहाड़। पहली बार हाईवे पर उतरा आईएएफ सुखोई SU-30 MKI और जगुआर मॉक इमरजेंसी लैंडिंग। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भारतीय वायुसेना आईएएफ के विमानों के लिए राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर गंधव बाकासर खंड पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं को लेकर वायुसेना के विमान ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मॉक इमरजेंसी लैंडिंग की। IAF सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमान और C-130J सुपर हरक्यूलिक्स विमान शामिल थे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर से ये एयर स्ट्रिप कुछ ही दूरी पर है। यह सिद्ध करता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। 3 किमी लंबी इस स्ट्रेच को 19 महीने में तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि कोरोना काल में भी इसे तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में उत्साह भी पैदा करता है और सुरक्षा के प्रति एक विश्वास भी। इसलिए आज का ये दिन हम सबके लिए एक खास दिन है।